मुरादाबाद से है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बैनर तले शहर इमाम व सपा सांसद ने दिया ज्ञापन। अशोभनीय टिप्पणी का मामला तुल पकड़ने लगा है। भाजपा के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी का मामला अब और भी तुल पकड़ने लगा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं, सामाजिक व राजनैतिक लोगों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन करके नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। तो वहीं कानपुर बवाल की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग उठाई है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बैनर तले जामा मस्जिद क्षेत्र में प्रदर्शन करके मुगलपुरा थाने पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारी आलोक कुमार को सौंपा गया। एक्शन कमेटी ने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब से मुसलमान बेहद मोहब्बत करते हैं और उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करके दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने पुराने लोगों की तौहीन रोकने के लिए देश में कानून बनाने, शांति व्यवस्था के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर नज़र रखने, कानपुर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने, गिरफ्तार बेगुनाहों को रिहा करने तथा कानपुर की घटना की उचित स्तरीय जांच कराने की मांग भी की है। नबी की मोहब्बत और एहतराम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करके तमाम दुनिया के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं की बुझाई गई है, जिसके कारण दुनिया जैसा आप हजार को मालूम है कि नुपुर शर्मा जिंदल ने हमारे वसलम इनके हम उम्मती हैं, इनके गुलाम हैं, उनके खिलाफ उसने उसे दवानी किए, उन्हें अल्फाज अदा किए हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ आज मोहब्बत के मुसलमानों ने मेरी सरपत से मेरे ख्याल से ये गवर्नर राष्ट्र जी को भेजा गया है माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और उन दोनों को कड़ी कड़ी सजा दी जाए, आइंदा के लिए कानून बनाया जाए कि कोई भी किसी मदद पर उंगली न उठा सके, बुराई न कर सके और जो बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ा गया है उसे छोड़ा जाए, उनके जान माल तहफ़ किया जाए, अमन कायम रखा जाए। कल जुमा है, उसको लेकर के क्या अपील की है आपने? कल जुमा है, जुमे की नमाज़ होगी, हमने वर्षों आज दिया है और कल जुमे नमाज़ होगी। मुसलमानों को चाहिए नमाज जुमे की पढ़ के अपना आराम से या मौके साथ और अमन के साथ घरों में जाए, अल्लाह ताला दुआ करे, अल्लाह ताला मुसलमानों का जान ईमान और आज़ाद होगी पूरी हवास। ठीक है, शुक्रिया। सांसद जी, आप भी शामिल थे मेमोरेंडम देने में, क्या मांगे रखी गई हैं और जो ज्ञापन है वो आज क्यों दिया गया है? देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन ताजदार मदीना हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों अरबों मुसलमानों की दिलचस्पी हुई है, वो उनकी दिलासारी हुई है। हमने ज्ञापन दिया है इमाम साहब की सरपरस्ती में कि जिसने गुस्ताखी करी है नुपुर शर्मा और जिंदल ने, उनको सलाखों के पीछे जल्द से जल्द भेज दिया जाए, उनको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए और इस तरह का कानून बनना चाहिए जिससे आगे आने वाले वक्तों में कोई भी किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ उनकी बेइज्जती ना कर पाए। कल जुमे की नमाज है, उसको लेकर के अलर्ट भी है, तो क्या कल कोई प्रदर्शन या ज्ञापन दिया जाएगा? देखिए, कल अब तो ज्ञापन दे दिया, कल कोई प्रदर्शन या ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। अलर्ट ज़रूर है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बंद है, लेकिन किसी तरफ से ऐसी अपील नहीं की गई है कि कल बंद है। कल तमाम ही उलमाओं ने इस बात को मना करा है, हम लोग पुरअम तरीके से अपनी नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ के अपने अपने घरों को जाएं। ठीक है, शुक्रिया। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।